आज हमारे साथ में है डॉक्टर नरसिंह वर्मा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर, ओबेसिटी और दिल की बीमारी में क्या संबंध है? मोटापा और हृदय संबंधी बीमारियां जितनी हैं, उनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। और जितने अनुसंधान हुए हैं उनसे ये पता लगता है कि जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ती जाती हैं। और ये जितने भी हमारे अनुसंधान देश के अंदर हुए, विदेशों में हुए, उनसे ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि अगर मोटापा कम होता है तो हृदय संबंधी बीमारियों की संभावनाएं भी कम हो जाती है। डॉक्टर, हार्ट डिजीज और डायसिप्डीमिया में क्या रिलेशन है? डिसलिपिडीमिया शब्द का अर्थ है कि हमारे रक्त में लिपिड की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल कहे जाते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरे को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इनका रिश्ता जब बिगड़ता है तो हृदय संबंधी विकार बढ़ जाते हैं। अतः प्रयास ये करना चाहिए कि अपने भोजन में उचित परिवर्तन करते हुए हम बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने न दें। डॉक्टर, हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन में क्या रिलेशन है? हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप का संबंध हृदय संबंधी बीमारियों से बहुत गहरा है। सभी हृदय संबंधी बीमारियां प्रारंभ में उच्च रक्तचाप के रूप में सामने आती हैं। और हाइपरटेंशन को जानने के लिए ब्लड प्रेशर का नापना बहुत आवश्यक है। अगर समय पर ब्लड प्रेशर के नापते रहने से हम हाइपरटेंशन को पकड़ सकते हैं, जल्दी इलाज प्रारंभ कर सकते हैं और हृदय संबंधी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। मैनेज योर हेल्थ विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड पीस इन योर हार्ट।